हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा होगा, चैप्टर टेस्ट मैंने आपको था। और टेस्ट तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कई बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर आगे के वीडियोस बनाइए, है ना, चैप्टर 9 का बनाइए, आगे का चैप्टर 10 की भी। पहले बच्चों में क्लास 5th और 3rd का अपडेट कर रहा था, अपलोड कर रहा था आप लोगों के लिए। तो अब फिर से बच्चों में कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास 4th का मैं, और चैप्टर जो है वो मेजरमेंट को हम कवर करेंगे। तो चलिए, आज का जो सेशन होने वाला है काफी मेजरमेंट का है। तो मेजरमेंट में हमें लर्निंग आउटकम्स में समझना है कि क्या क्या इस चैप्टर में सीख पाएंगे और क्या क्या हम पढ़ लेंगे इस चैप्टर में, और क्या क्या आपको अभी तक जो आपने पढ़े हैं ना उसके बाद आपको समझ में भी आ जाएगा, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। सो आफ्टर स्टडी दिस चैप्टर्स यू विल एबल टू, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख जाएंगे वो देखिए। सबसे पहले लर्न अबाउट वेरियस यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी, यानी लेंथ को मेजर करने के लिए, वेट को मेजर करने के लिए, कैपेसिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट के बारे में आप सीखेंगे। कन्वर्ट मैट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ वेट एंड कैपेसिटी फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। अच्छा, जैसे मैट्रिक मेजरमेंट होती है ना, उसमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बात आप सीखेंगे। और आप किसी भी मैट्रिक मेजरमेंट का एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, है ना, लेंथ का, वेट का और कैपेसिटी का। ये सारे बातें आपको इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर का बच्चों कंप्लीट प्लेलिस्ट में बना दूंगा वैसे, या फिर इनके प्लेलिस्ट में बना ही रखा हूं क्लास 4th का, आप वहां जाकर के ये वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इससे पहले कि अगर किसी भी एक्सरसाइज में या किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आपको पता ही है, चैनल पे विजिट करना है। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहां पे क्लास 4th के मैथ पे क्लिक कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएगा। आपको जिस भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है आप उस एक्सरसाइज के वीडियोज को देख करके अपनी प्रॉब्लम एकदम क्लियर कर सकते हो, राइट। तो चलिए वार्म अप देखते हैं। देखो वार्म अप में क्या कह रहा है, रीनाज मदर्स बेक मल्टी ग्रेन ब्रेड लूफ ऑफ एट होम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, राइट, यहाँ पे देखो एक ब्रेड है, राइट, काफी अच्छा ब्रेड बनाया है। सी वॉन्टेड टू कट अ लूफ ऑफ द स्लाइस ईच 2.5 सेंटीमीटर, यानी इस ब्रेड को ये एक अलग अलग स्लाइस बना के काटना चाहते हैं, और एक स्लाइस का जो लेंथ है ना वो दे रखा है आपको 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब एक स्लाइस का, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर रूलर्स, राइट। तो आपको कह रहे हैं रूलर के हेल्प से, जैसे बच्चों ये आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, हमारा रूलर है यानी स्केल है, राइट। इसके हेल्प से आपको क्या करना है, इसके हेल्प से मार्क द रेड, रेड मार्क करना है, द लाइन ऑन द लूफ ऑफ द वेयर इट शुड बी कट इन टू स्लाइस। तो कितने स्लाइस इनके बन जाएंगे ये सारे हमें आगे के क्वेश्चन में करने हैं। तो चलिए आप यहां पे देख पा रहे होंगे अच्छे से। अब देखो ये जो आपका बच्चों मल्टी ग्रेन ब्रेड है ना, आप यहां पे देख पा रहे हो यहां से और यहां तक इनकी टोटल जो लेंथ है ना वो कितने दे रहा है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इस मल्टी ग्रेन ब्रेड का जो लेंथ है बच्चों, लंबाई है वो कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो देखिए इसी के बेस पे आपको यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो देखिए, हाउ लॉन्ग इज द ब्रेड लूफ। तो ब्रेड का जो लूफ है यानी ब्रेड का जो साइज है वो कितने बड़े है? तो अभी आपको दे रहा है कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर आप यहां पर क्या लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्लाइस कुड यू गेट आउट ऑफ दिस ब्रेड लूफ। अच्छा, हाउ मेनी स्लाइस मतलब हाउ मेनी मतलब क्या होता है, कितने स्लाइस कुड यू गेट आउट ऑफ दिस ब्रेड लूफ, यानी इस ब्रेड का अगर आप लूफ अलग अलग बनाओगे, अलग अलग पार्ट करोगे तो कितने स्लाइस बन जाएंगे। तो आपको पता है क्वेश्चन में दिया था कि जो एक स्लाइस है वो कितने मीटर है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और टोटल लेंथ कितना है आपके पास, 15 सेंटीमीटर। तो वी नीड टू डिवाइड, है ना, आप क्या करो 15 सेंटीमीटर में क्या करो, 2.5 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
तो डेसिमल का डिवाइड अभी मैंने आपको चैप्टर्स 8 में कंप्लीट करवाया ही था, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर जीरो आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 150 अपॉन में 25। और 25 से इसको डिवाइड कर दो तो 25 फोर जा कितना होता है 100, 25 जा 125, 25 सिक्स जा राइट कितना होगा 150 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। यानी इसके टोटल जो होंगे ना वो 6 स्लाइस बनेंगे बच्चों, समझो इक्वल लेंथ, एक का लेंथ इक्वल लेंथ होगा बच्चों सभी स्लाइस का 2.5 सेंटीमीटर इच स्लाइस होगा, क्योंकि यहां पे देखो आपको दिया है कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, ठीक है। चलो तो ये वॉर्म आपको समझ में आ गया। अब देखिए इनका जो बेसिक पॉइंट है ना उस पॉइंट को भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो लेंथ हमें समझना है, लेंथ क्या होता है। तो जब बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप मेजर करते हैं, जैसे मान लो आप अपनी बुक को मेजर्स करते हैं या अपनी पेंसिल को मेजर्स करते हैं, तो वहां पे हम कुछ लेंथ होता है उसका। सो द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ, कह रहे स्टैंडर्ड यूनिट यूज टू मेजर्स ऑफ लेंथ ऑल द कंट्रीज, हर एक कंट्री में लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है ना बच्चों वो मीटर होता है, आप ये याद कर लें। अगर आपसे पूछा जाता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे मीटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे मीटर, या फिर आप मीटर लिखो या फिर आप ये सिंबल एम याद रख लो, ठीक है। अच्छा तो स्मॉलर लेंथ मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, और जो छोटा डिस्टेंस होता है ना उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं सेंटीमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। और ये हम उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं सीएम, सीएम फॉर सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों ये आपके पास जो है ना ये स्केल है, देखो इसी स्केल को जैसे ये जो है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये जो स्केल्स है ना 15 सेंटीमीटर का स्केल है, क्या है 15 सेंटीमीटर का ये स्केल है हमारा, ठीक है। सो ऑब्जर्व केयरफुली एंड मीटर स्केल्स, और ये आप मीटर स्केल्स भी देख रहे हैं, तो ऐसे ही आपको मीटर स्केल्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आपने स्केल देख लिया राइट, अब चलिए हम देखते हैं कि जो ये मीटर्स है, क्या है मीटर और सेंटीमीटर, इन दोनों के रिलेशन पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो इनके रिलेशंस क्या है, इस रिलेशन को भी समझ लीजिए। 100 डिविजन्स ईच डिविजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी अगर हम सेंटीमीटर्स और मीटर्स इन दोनों के बीच की अगर हम रिलेशन की बात करें ना, तो ध्यान रखो आप क्या कि जो होता है कह रहे इट हैज, यानी अगर मान लो ये हमने एक लेंथ लिया, इस लेंथ को अगर 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, तो हमारा जाकर के क्या होता है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होता है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं इट हैज 100 डिविजन्स, सो इच डिविजन इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर, और हर एक सेंटीमीटर मतलब एक डिविजन जो होता है ना 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। दैट इज आप ये रिलेशन याद करके रख लें बहुत ईजी रहेगा। 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होगा 100 सेंटीमीटर, क्या होगा 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। और यहीं पे अगर कोई आपसे पूछा जाता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होगा, तो 1/100 मीटर आप कह देंगे, समझ रहे बात को। तो आप ये भी याद रख लें कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होगा 1/100 मीटर आएगा, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो सेंटीमीटर का जो यूज होता है ना बच्चों और मीटर का यूज होता है ना, ये छोटे डिस्टेंस के लिए हम मेजरमेंट करते हैं। अगर हमें लार्जर डिस्टेंस चाहिए, बड़ा डिस्टेंस है, तो उसके लिए हम आगे की यूनिट यूज करते हैं। जैसे आप इस फिगर को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दिल्ली है और यहाँ पे लिखा हुआ है 100 किलोमीटर, और यहाँ पे आपको आगरा दिख रहा है ये लिखा है 135 किलोमीटर। तो देखो दिल्ली से आगरा यानी ये जो डिस्टेंस है ना बहुत बड़ा है, यहाँ पे अगर आप मीटर से मेजरमेंट करने लग जाए ना तो पता नहीं कितने टाइम लगेगा आपको। तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम बड़ा यूनिट यूज करते हैं, इसको ग्रेटर लेंथ हो जाता है तो ग्रेटर यूनिट हो जाता है। तो जितनी बड़ी लेंथ होता है ना बच्चों, तो उसी तरह से हम मेजरमेंट लेकर के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर ग्रेटर लेंथ होता है तो ग्रेटर लेंथ को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं किलोमीटर्स का, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो KM होता है किलोमीटर्स, और एक किलोमीटर में क्या होता है 1000 मीटर होता है, ये आप याद रखेंगे। 1 किलोमीटर में क्या होता है बच्चों
1000 मीटर होता है। ये चीजें आप ध्यान रखना और अच्छे से याद रखना। अभी मैं आपको इनके कन्वर्जन दिखाऊंगा तो आपको ये सारे चीजें वहां पे यूज होगा। ओके, अब देखो कह रहे मेजरिंग लेंथ। लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए आपको पता है रूलर यूज करते हैं, तो ये हमने रूलर अभी आपको दिखाया भी था। तो ये देखो यहां से स्टार्ट होता है, ये है 0 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां के डिस्टेंस हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये जनरली आपके ज्योमेट्री बॉक्स में देखने को मिलता है जो रूलर होता है। अब आप यहां पे देखिए, ध्यान देना, ये जो है ना 0 से लेकर के 1 तक बीच में 10 डिविजन पार्ट है, और इसके बीच में जो बड़ा है ना वो 5 है। तो 0.5 होगा तो यह आ जाएगा, 1.5 होगा तो यहां पे आ जाएगा, ये समझ रहे हो बात, इन दोनों के बीच का आ जाएगा। 2.5 होगा तो इन दोनों के बीच में आप देख पा रहे होंगे बड़े होंगे। 3.5 होगा तो ये, एंड सो ऑन, इसी तरीके से होगा। आई होप आपको मेजरमेंट करना सीख गए आप। चलिए अब एक एग्जांपल आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये पेंसिल है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है वो देखिए आप। 0 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक है, तो ये हमारा ये जो पेंसिल हो गया ना ये 10 सेंटीमीटर का हो गया, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये पेंसिल कितने है 10 सेंटीमीटर का। ऐसे ही आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। इस पे आपको क्विक असेसमेंट्स दिया हुआ है, तो चलिए इनको भी हम कवर कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं फर्स्ट में, मेजर द लेंथ, लेंथ को मेजर करना है ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग द सेंटीमीटर रूलर। तो सेंटीमीटर के रूलर से हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है। तभी हमने आपको सेंटीमीटर रूलर दिखाया था, या फिर आप यहां पे देख पा रहे हो ये सेंटीमीटर रूलर्स है। अच्छा, अगर आप इसको मेजर करेंगे तो कितनी आएगा, तो ये जो ब्रश है इसको अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमने जो मेजरमेंट किया था 6.5 सेंटीमीटर आया। आप भी इसको मेजर करके देख लेना, या आप देखो ऐसे हमने क्या किया, यहां से 0 सेंटीमीटर लेके गया और यहां से देखो आप यहां तक मेजर करो, तो देखो आ रहा है ना इस पॉइंट पे आ रहा है, 6 और 7 के बीच में आ रहा मिड पॉइंट में, तो इसीलिए हमने क्या लिखा यहां पे 6.5 सेंटीमीटर लिखा। अब आप इसको मेजरमेंट कीजिएगा तो ये जो है ना बच्चों 1.5 है, ये क्या है 1.5 सेंटीमीटर है। और ये जो माचिस की तिल्ली है आप इसको मेजरमेंट करके देख लीजिए, देखिए इसको मेजरमेंट कर रहे थे क्या हो रहा है 3 आ रहा है, लगभग 3 आ रहा था बच्चों, 2.9 के वैसे दिख रहा है इसमें, बट आप जनरली देखो तो 3 सेंटीमीटर एवरेज लेके चलो, तो ये 3 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं मेजरिंग द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स, ये आपको लाइन सेगमेंट्स दिया हुआ है और इसे आपको मेजर करना है, तो लाइन सेगमेंट्स को मेजर कर दिया ए बी का। तो जब हमने ए बी को मेजर किया तो क्या रिजल्ट आया देखिए यहाँ पे, वैसे मैंने मेजर करके लिखा है बच्चों, आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, देखो कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर आ रहा है ना, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको भी आप इसी तरीके से मेजर करो तो 3 सेंटीमीटर दिखेगा, और एक्स वाई को अगर आप मेजर करोगे तो ये 5.2 सेंटीमीटर, क्या है ये 5.2 सेंटीमीटर। तो ये तो बच्चों एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन था कि कैसे आप सेंटीमीटर रूलर से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हैं, किसी भी छोटे डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन्स पढ़ेंगे, कैसे हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप यहां पे एक चीजें को याद करो जो मैंने पहले भी बोला था कि 1 मीटर में क्या होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखेंगे आप, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। अच्छा अब आप यहां पर यह कॉन्सेप्ट याद रखिए, टू कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर, अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वी मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारा वैल्यू निकल के आ जाता है। यानी अगर बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं ना तो वी नीड टू मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में कह रहा है कन्वर्ट 8 मीटर और 52 मीटर इनटू सेंटीमीटर। अच्छा 8 मीटर भी है और 52 मीटर है, तो पहले 8 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आ जाएगा, और अगर आप 52 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5200 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं इनको सॉल्व करके। यहां पे देखो हमने पढ़ा बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में क्या होगा 8 इंटू 100,
तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर 52 का करते हो तो 52 इंटू 100 लिखोगे, तो 52 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल ये 52 लिख दो, 20 है तो 20 लिख दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर होता है, 52 मीटर में 5200 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हैं। एक्सप्रेस 5 मीटर 64 सेंटीमीटर 12 मीटर 8 सेंटीमीटर एज अ सेंटीमीटर, अच्छा सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देख लो 5 मीटर और 64 सेंटीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल 5 मीटर और इतना लिखो। तो मीटर को हमें कन्वर्ट करना होता है तो वी नीड टू मल्टीप्लाई 100, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर, और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो 64, तो इसे इसको मल्टीप्लाई करो 500 आ जाएगा और ये 64 है तो 500 और प्लस दिस तो दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 564 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब आप इसे कन्वर्ट करो तो देखो ये मीटर में है, ये तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी है ही, इसे हमें चेंज नहीं करना है, इसे सिर्फ चेंज करना है। तो यहां पे देख लो लिखा हुआ है तो दिस सेम लिख दी, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने 22 मल्टीप्लाई 100 और ये हो गया मीटर था तो सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो 22 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2200 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये 8 सेंटीमीटर हो गया, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो एक रिमेंबर है जो आपको याद रखना है, करेक्ट टू कन्वर्ट हायर यूनिट ऑफ लेंथ टू लोअर यूनिट वी मल्टीप्लाई, यानी हायर यूनिट से लोअर यूनिट में आप कन्वर्ट करते तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और लोअर यूनिट से क्या कर रहे हैं हायर यूनिट से लोअर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट लोअर यूनिट से हायर यूनिट में मल्टीप्लाई कर कन्वर्ट करते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। ये चीजें आप ध्यान रखना कि अगर लोअर यूनिट से हायर यूनिट में कन्वर्ट करोगे ना तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। और क्या कहते हैं हायर, मतलब हायर से क्या करेंगे आप लोअर में कन्वर्ट करेंगे ना तो वी नीड टू मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर, तो सेंटीमीटर क्या होता है छोटा होता है और मीटर क्या होता है बड़ा होता है, तो ये छोटा हुआ ये बड़ा हुआ तो छोटा से जब बड़ा में जा रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो वही यहाँ पे लिखा है डिवाइड बाय हंड्रेड। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल थर्ड में देखिए कन्वर्ट 700 सेंटीमीटर इंटू मीटर, तो आप 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 कैंसिल, यानी बिकॉज यहाँ पे देख पा रहे बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 1/100 मीटर्स होता है, ये मैंने आपको बताया भी था पहले। ठीक है, तो 700 को क्या करोगे आप 100 से डिवाइड कर दो तो 7 मीटर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 में कन्वर्ट 265 सेंटीमीटर एंड 2560 सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड सेंटीमीटर, अच्छा हमें मीटर में भी बताना है और सेंटीमीटर में बताना है, तो पहले इसको आप सॉल्व कीजिए। तो देखो 265 सेंटीमीटर है तो 200 प्लस 65 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा 2 मीटर्स, 200 है ना तो 2 मीटर्स आ जाएगा, कितना है 2 मीटर्स आ जाएगा और 65, तो ये हमारा निकल के आ गया दोनों में मीटर में भी और सेंटीमीटर में। सेम आप इसको भी देखिए तो क्या होगा टू ये 2500 प्लस 60 तो ये क्या होगा 25, यानी 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 60 तो 25 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा अब देखिए तीसरा पार्ट यानी जो कंसेप्ट का है वो ये कन्वर्ट द किलोमीटर इंटू मीटर, तो जब किलोमीटर को मीटर में अगर हम क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं तो किलोमीटर बड़ा है और मीटर क्या है छोटा है, तो बड़ा से छोटा में जाते हैं तो वी नीड टू मल्टीप्लाई, तो कितने से तो यहाँ पे 100 से करना पड़ता है क्योंकि हमने बताया है कि एक किलोमीटर में क्या होता है 1000 मीटर होता है, ये मैंने आपको बोला था कि आप याद कर लो। ठीक है, ओके अब देखिए यहाँ पे कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटू मीटर्स, मीटर में हमें यूज करना है तो 9 किलोमीटर है तो 9 इंटू 1000 हो जाएगा तो 9000 मीटर हो जाएगा, 27 किलोमीटर 532 मीटर है तो इसको आपको कन्वर्ट कर दो
तो 27 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और 532 ऐड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। देखो वही किया है यहाँ पे, है ना। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 27 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये एज इट इज, क्योंकि ऑलरेडी ये कन्वर्ट है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, कह रहे टू कन्वर्ट मीटर इंटू किलोमीटर, मीटर टू किलोमीटर में अगर यूज करते तो वी नीड टू डिवाइड बाय 1000, है ना। तो 1000 हमें डिवाइड करना पड़ेगा, कैसे आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर 1 मीटर इक्वल्स टू क्या हो गया 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको याद रख लेनी। तो देखो हमें एग्जाम्पल दिया है क्या, 56,000 मीटर इंटू किलोमीटर, इसको 1000 से डिवाइड कर दो। तो अगर आप इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे ना, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 56,000 को अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 56 किलोमीटर आ जाएगा, बिकॉज ये अभी हमने बोला भी था, आप इसको याद कर लो। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ गया कि कैसे मीटर से हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर से कैसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं, है ना, किलोमीटर से कैसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर से कैसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सभी बातें आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है, तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। और चैनल पे बच्चों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, राइट। टेक केयर्स एंड बाय बाय।